हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल इंटरेस्ट देखा था और सिंपल इंटरेस्ट के एग्जांपल्स किए थे। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। डिफरेंस लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुका है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ डेफिनेशन लिख रखी है कंपाउंड इंटरेस्ट की, व्हेन द बोरोवर एंड द लेंडर एग्रीज टू फिक्स अप सर्टेन यूनिट ऑफ टाइम, जब लेने वाला और पैसे देने वाला दोनों एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम इतने टर्म के बाद, इतने पीरियड के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ईयरली, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने बाद, क्वार्टरली मतलब 3 महीने बाद, या मंथली जब सेटल कर लेते हैं। सो दैट अमाउंट यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम एट द एंड ऑफ इंटरवल बिकम प्रिंसिपल एट द नेक्स्ट इंटरवल। यानी इस तरह से कैलकुलेट होगा अमाउंट कि हर बार जब भी प्रिंसिपल एक टर्म पूरी हो जाएगी उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, अमाउंट जो आएगी उसको प्रिंसिपल के इक्वल ले लिया जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल, अगर 1 साल के बाद टर्म पूरी हो रही है, 5% इंटरेस्ट है, जैसे 100 रुपये पे मैंने लगाया था, तो 100 का 5% 5 रुपये होता है, तो अगली बार के लिए, अगले साल के लिए प्रिंसिपल 105 रुपये होगा। यानी मूलधन हर साल चेंज होगा। तो जो टोटल इंटरेस्ट आता है कैलकुलेटेड बाय दिस वे, इन दिस वे, इज़ कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होगा, जो भी अमाउंट आया करेगी फॉर्मूले से उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। तो इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूले। अब फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? पहला एग्जांपल दिया हुआ है, 2400 रुपये पे 2 साल के लिए 4% प्रति वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे हैं पर एनम 2400 रुपये पे। यानी 2400 रुपये का पहले साल 2400 गुना रेट गुना टाइम, यानी प्रिंसिपल रेट टाइम। टाइम यहाँ 1 साल का रखा जाएगा। इंटरेस्ट आ रहा है 96 रुपये, तो अगले साल के लिए जो नया प्रिंसिपल होगा वो 2496 होगा इंटरेस्ट जोड़ने के बाद। तो जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 2496 पे मिलेगा। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, PRT/100, ये आया 99 रुपये 84 पैसे, जिससे टोटल अमाउंट आ गई 2595 रुपये 84 पैसे। टोटल अमाउंट आई और जितना प्रिंसिपल लेके चले थे वो माइनस कर देंगे, 195 रुपये 84 पैसे इंटरेस्ट आया कंपाउंड इंटरेस्ट से। और अगर यही हमने केवल सिंपल इंटरेस्ट लगाया होता तो 192 रुपये आते, दोनों साल 96 96 रुपये आते, क्योंकि प्रिंसिपल दोनों साल 2400 2400 ही रहता, क्योंकि प्रिंसिपल चेंज हो गया इसलिए इंटरेस्ट बढ़ गया। डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब आधे साल का आया करेगा तो क्या किया करेंगे? तो बच्चों इस केस में आपने क्या करना है, इंटरेस्ट हमेशा दे रखा होगा, जैसे यहाँ 4% पर एनम दिया हुआ है, ये 1 साल का है, पर ये बोल रहा है कि कंपाउंड करना है हाफ ईयरली, यानी 1 साल के हिसाब से नहीं, 6 महीने के हिसाब से। तो इंटरेस्ट बनेगा 2% पर हाफ ईयरली, पर हाफ ईयरली, यानी उसका हाफ करना है जो भी रेट दे रखा होगा। तो इसने यही लिख रखा है, मान लो रेट दे रखा है R% पर एनम, तो उसका हाफ कर देंगे, R/2% पर हाफ ईयर हो जाएगा वो। यानी जब भी इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है तो इंटरेस्ट को भी आधा कर देंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे अगला जो एग्जाम्पल है, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट 50,000 रुपये पे लगाया, 1.5 साल के लिए लगाया पर एनम, और पेबल हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक रूप से, 10% पर एनम है, 1 वर्ष का 10% है, तो आधे वर्ष का होगा 10/2 5%, तो 5% हाफ ईयरली लिखा हुआ है। 1.5 साल में कितने हाफ ईयर आते हैं बच्चों? 3 हाफ ईयर आते हैं, 18 महीने होते हैं 1.5 साल में, 6 6 महीने की एक टर्म लेनी है, तो 18 के 3 टुकड़े हो जाएंगे, 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। तो 50,000 रुपये पहले साल पहली बार इंटरेस्ट लगा 5%, 2500 रुपये आया। अब 2500 रुपये जुड़ जाएगा प्रिंसिपल में, जुड़ने के बाद 52,500, अब 52,500 पे 5% एक टर्म के लिए, ये आया 2625 रुपये। नया जो अमाउंट आएगा प्रिंसिपल आएगा 55,125 रुपये आएगा, उसके ऊपर 5% लगाया, 2756 रुपये 25 पैसे, तो टोटल अमाउंट हो जाती है 57,881 रुपये 25 पैसे,
50,000 माइनस कर देंगे 7881.25 रुपये हमारा इंटरेस्ट आया। क्वार्टरली का ऑप्शन आया, क्वार्टरली बोलते हैं तिमाही में। अब एक साल का अगर आपको 12% दे रखा है, एक साल का यानी 12 महीने का, तो तिमाही का कितना बनेगा? अब 12 के एक साल में तिमाहियां कितनी होती हैं बच्चों? चार होती हैं। 12 के चार बराबर टुकड़े कर दो, 3% हर तिमाही में बनेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 12 के बाय में चार कर दूँगा, यानी जो भी इंटरेस्ट दिया होगा उसके बाय में 4, यानी आर बाय 4% क्वार्टर, पर क्वार्टर। ठीक है बच्चों, यानी पर एनम को पर क्वार्टर में चेंज करने के लिए 4 से डिवाइड, पर एनम को हाफ ईयरली में चेंज करने के लिए बाय में 2 किया था। अब नेक्स्ट एग्जांपल में 15,625 रुपये लगाए, 16% पर एनम, एक साल का 16%, 9 महीने के लिए लगाए बच्चों। पहली बात तो 16% पर एनम है और पेबल कंपाउंडेड क्वार्टरली है, क्वार्टरली का मतलब चौथा हिस्सा, तिमाही, क्वार्टर बोलते हैं चौथे हिस्से को, साल का चौथा हिस्सा तिमाही बनती है। तो 16 का चौथा हिस्सा होगा 4% पर क्वार्टर, अब ये पर क्वार्टर 4%। अब 9 महीने में कितनी तिमाहियाँ आती हैं बच्चों? 3 तिमाहियाँ आती हैं, यानी कितनी बार 3 महीने आते हैं? 3 बार 3 महीने आते हैं। तो मेरी जो टर्म्स हैं वो टोटल कितनी बनेंगी? 3 क्वार्टर बनेंगे, 9 महीने के 3 क्वार्टर। तो पहले क्वार्टर में कैलकुलेट किया 4% के हिसाब से 625 रुपये आया, नया प्रिंसिपल आया 625 जोड़ के पहले वाले में 16,250, फिर 4% लगाया 650 रुपये आया, नया अमाउंट आया 16,900, 16,900 का 4% आया 676 रुपये, जो बन जाता है 17,576 रुपये। और हमारा इंटरेस्ट निकालने के लिए 17,576 जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल माइनस करेंगे शुरू वाला, तो आ जाएगा 1951 रुपये। तो जनरल फॉर्मूला बनाया गया। इसके बाद जनरल फॉर्मूले का मेथड कैसे बनाया, कैसे गया वो देखते हैं बच्चों। ये डेरिवेशन पेपर में नहीं आएगी आपके, फिर भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। आपको याद होगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता था, हर साल प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो जाता था। तो बच्चों जैसे अब मान लो पी प्रिंसिपल है, आर परसेंट पर एनम है, टी ईयर्स के लिए लगाना है, तो मैं पहले साल का निकाल के, पहले साल का क्या बनेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, एक साल का है तो एक आ जाएगा बाय में 100, तो पी आर बाय 100 इंटरेस्ट आ रहा है पहले साल का। पहले साल का इंटरेस्ट जुड़ जाएगा बच्चों, नया प्रिंसिपल आ जाएगा उसके बाद नया जोड़ के, तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना आया, पी आर बाय 100, उसमें प्रिंसिपल जोड़ दिया, नया प्रिंसिपल आया पी इंटू 1+R/100 पी इंटू। तो सेकंड ईयर के लिए मेरा नया प्रिंसिपल क्या है, ये पहले साल की कहानी थी सारी की सारी, जो पहले साल से ब्याज मिल गया। मान लो मैंने 100 रुपये जमा कराए थे मेरे अकाउंट में, अब 100 में 5 रुपये और जुड़ चुके हैं, 105 हो चुके हैं, तो मेरे अकाउंट में जो 105 है वो नया प्रिंसिपल है अगले साल के लिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस आ जाता है। तो नया प्रिंसिपल कौन है बच्चों, पी इंटू 1+R/100, इसके ऊपर फिर दोबारा एक साल के लिए ब्याज लगाएंगे 8%, तो पी इंटू 1+R/100 इंटू आर, रेट कितना है R/100, 1 मल्टीप्लाई करेंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटू में R/100 आ गया। अब बच्चों ये नया इंटरेस्ट आया आपका, अगले साल का इंटरेस्ट आया है, इसको फिर दोबारा प्रिंसिपल में जोड़ देना, फिर दोबारा जब प्रिंसिपल में जोड़ोगे तो नया अमाउंट आ जाएगा, 2 साल बाद जो आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं वो आ जाएंगे, क्योंकि जब भी ब्याज जोड़ते हैं मूलधन में, मूलधन क्या था, ये था, दूसरे साल में मूलधन ये था, पहले साल में मूलधन पी था, दूसरे साल में उसमें क्योंकि इंटरेस्ट जुड़ गया पी आर बाय 100 जुड़ गया, इसलिए नया मूलधन आया ये। अब नया मूलधन जो आया है उसमें उसका इंटरेस्ट जोड़ देंगे, ये इंटरेस्ट है। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में देखो, इसने इंटरेस्ट जोड़ा हुआ है, आप देख सकते हो ये रहा हमारा मूलधन और ये रहा इंटरेस्ट। तो बच्चों इन दोनों में एक चीज कॉमन है, कौन कॉमन है, ये इसमें भी है इसमें भी है, जब इसको कॉमन ले लेंगे सारे को तो क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा R/100। तो ये बच्चों आप बुक में भी देख सकते हो, इसमें ज़्यादा क्लियर सी नहीं आ रही फोटो, बट बुक से बिल्कुल क्लियर आ जाएगा, P इंटू 1+R/100 दोनों में है कॉमन आ गया, बचा क्या यहाँ 1 यहाँ R/100, तो ये 1+R/100 1+R/100 दो बार आ गया इसलिए स्क्वेयर हो गया, तो बुक में स्क्वेयर आप साफ नज़र आएगा आपको, स्क्वेयर है यहाँ पर।
ठीक है बच्चों, तो अब मैं एक चीज़ बता सकता हूँ यहाँ से आपको, जो चीज़ साफ नज़र आ रही है बच्चों, कि पहले साल का जो प्रिंसिपल आया था, पहले साल की जो अमाउंट आई थी वो आई थी पी इंटू 1+R/100। दूसरे साल की अमाउंट क्या आई, अभी अभी निकाल लिया जो हमने, इसका स्क्वायर। तीसरे साल में क्या होगा बच्चों, क्यूब हो जाएगा। चौथे साल में क्या होगा, 4 पावर। पाँचवें में क्या होगा, 5 पावर। तो जितना टी है उतनी बार टी आ जाएगा यहाँ। तो बच्चों यही है डिफरेंस यहाँ पे। देखो आंसर में क्या लिखा हुआ है, अमाउंट आफ्टर टी ईयर्स, यहाँ पावर टी आ गई। तो ये फर्दर इसने इसी तरह से आगे स्टेप किया हुआ है कि ये हमारा नया प्रिंसिपल है, इस पर 1 साल का ब्याज लगाया, ब्याज R/100 है, तो उसके बाद प्रिंसिपल में जोड़ दिया। अब क्योंकि पी इंटू 1+R/2 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, कॉमन आने के बाद फिर दोबारा 1+R/100 बचेगा, क्यूब हो जाएगी पावर। तो बच्चों इस तरह से ये फॉर्मूला बना हुआ है, 1+R/100 की पावर टी। तो ये नया अमाउंट है हमारा। अगर यहाँ से आपको इंटरेस्ट निकालना है तो इसमें से जो सबसे पहला प्रिंसिपल था वो कौन था, पी था, वो माइनस कर दो। ठीक है बच्चों, तो पी कॉमन आ जाएगा। इसके बाद बच्चों इसने ये बोल रखा है, अगर पूरे पूरे साल ना दे रखे हों तो हम क्या करेंगे। बच्चों मैं ये वाला फॉर्मूला इसके बाद करवाऊंगा, पहले कुछ एग्जांपल करवा दूं आपको पूरे पूरे इयर्स वाले। एग्जांपल नंबर 1, 8,000 रुपये का 4 साल के लिए 10% पर एनम पर इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्या है, ये पी है, ये क्या है, ये टी है, ये क्या है बच्चों, ये आर है। और फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारा, फॉर्मूला है पी इंटू 1+R/100 की पावर टी। तो इस फॉर्मूला में 8,000 पुट करेंगे पी की जगह, आर की जगह 10%, और 4 ईयर्स यानी टी की जगह 4। तो फॉर्मूले में पुट किया गया सारा कुछ, नया अमाउंट आया है 8,000 गुना 1+10/100, एलसीएम लेके 110/100 की पावर 4 बनेगा। इसके बाद 0 से 0 कैंसिल होके 11/10 की पावर 4, 11/10 मल्टीप्लाई हुआ 4 बार, आंसर इज 11,712.8। प्रिंसिपल उसमें से माइनस करके आप इंटरेस्ट निकाल लोगे। इसी तरह नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 7,865 रुपये 8 साल के लिए 3.5% पर एनम। बच्चों यहाँ कहीं हाफ ईयरली नहीं है, क्वार्टरली नहीं है, तो आपने बिल्कुल डरना नहीं है। अगर यहाँ हाफ ईयरली क्वार्टरली दिया होगा तो उस केस में हमको रेट का उतना ही डिवाइड करना पड़ेगा, हाफ ईयरली में 2 से डिवाइड, क्वार्टरली में 4 से डिवाइड। तो 7,865 रुपये मेरा प्रिंसिपल हुआ, 8 साल मेरा टी हुआ, आर हुआ 3.5, 3.5 हुआ। तो ये लिखा हुआ है इसने, देखो फॉर्मूले में पुट किया गया है, ए इक्वल टू पी इंटू 1+R/100 की पावर टी। अब क्योंकि पी कितना था 7,865, आर कितना था 3.5 यानी 3.5/100 की पावर टी आया। 7,865 1.035 हो जाएगा बच्चों, 3.5 के बाय में जब 100 करोगे तो ये बनेगा 0.035। आपको पता है ये कैलकुलेशन सारी, आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। तो जब आप 1+3.5/100 करोगे 1.035 आएगा, जैसा कि यहाँ आया हुआ है। अब यहाँ बच्चों हम लॉग का यूज़ करेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए। एक फॉर्मूला है बच्चों, अपनी कॉपी पे सभी नोट कर लो, लॉग प्रोडक्ट जब होता है लॉग में तो वो होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। ये लॉग का पहला फॉर्मूला है, ये नोट कर लेंगे सभी, लॉग एम एन इज़ लॉग एम प्लस लॉग एन। दूसरा फॉर्मूला है लॉग एम बाय एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, ये दूसरा फॉर्मूला है, लॉग एम बाय एन इज लॉग एम माइनस लॉग एन। तीसरा फॉर्मूला है लॉग एम की पावर एस इज एस लॉग एम, यानी ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी। ये तीन फॉर्मूले बच्चों आपने नोट करने हैं। इसके बाद बच्चों इसने लॉग लगाया, लॉग लगाया तो यहाँ लॉग एम एन का फॉर्मूला लगा, लॉग एम प्लस लॉग एन। यहाँ पे जो एन है बच्चों उसमें पावर 8 है जो आगे आ जाएगी तीसरे फॉर्मूले से, और सामने ए पड़ा है, यहाँ भी लॉग आ गया।
लोग 7865 कैलकुलेट कर रखा है टेबल में, जैसे हमने पिछली वीडियो में कैलकुलेट किया है बिल्कुल वैसे ही करना है। चार डिजिट डेसिमल से पहले हैं तो जो भी आंसर आएगा वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.8957 आया हुआ है। लोग 1.035 कर रखा है कैलकुलेट, वो आया 0.0149। 8 से गुना कर दिया, कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे आप बेसिक कैलकुलेटर का, दोनों को जोड़ के 4.01499 आ रहा है। यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है तो लोग को सामने भेजना पड़ेगा, जब भी लेफ्ट में गुना होता है सामने डिवाइड होता है, लेफ्ट में जुड़ रहा होता है तो सामने माइनस होता है, यानी जो भी लेफ्ट में होता है उसका उल्टा सामने होता है, तो लोग का उल्टा क्या बनेगा, एंटी लोग। तो जो एंटी लोग आ रहा है बच्चों, ये ए से इधर गया और एंटी लोग बन गया। एंटी लोग जब 4.0149 का निकालेंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था लोग एंटी लोग कैलकुलेशन, तो वो आएगा 10,350 रुपये। 4 में 1 जुड़ता है 5 आ जाता है, यानी जो भी लोग टेबल में एक एंटी लोग टेबल में एक का 4 और 9 पर आएगा, उसकी 5 डिजिट मुझे डेसिमल से पहले रखनी है, यानी 10,350 5 डिजिट हैं, तो ये हमारा टोटल वैल्यू आया। इसमें से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 24,000 रुपये 15% पर एनम 2.33 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करना है। तो पी भी मिल गया बच्चों आपको, आर भी मिल गया, टी भी मिल गया। इस बार जो टी है बच्चों वो फ्रैक्शन में है, तो जो अगला फॉर्मूला है वो फ्रैक्शन वाला वो हम निकाल लेंगे। अब दूसरा फॉर्मूला केस टू, टाइम इज नॉट नंबर ऑफ ईयर्स, यानी पूरे पूरे टाइम में नहीं होता है जब, तो क्या करना है बच्चों, आपने क्या करना है बच्चों, जो फॉर्मूला हमने बनाया है उसमें हम पूरे पूरे साल के हिसाब से चल रहे हैं। तो मान लो 3.5 दिया हुआ है ईयर्स, तो आपने क्या करना है, 3 साल का तो पूरा लेना है बच्चों, आधे साल का, क्योंकि 3.5 का मतलब होता है 3 साल पूरे और आधा साल फालतू, आधे साल का बच्चों आपने रेट भी आधा लेना है, यानी रेट को ही हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि पूरे साल का इंटरेस्ट तो लग नहीं पाएगा। जैसे यार 10% है तो पहले 3 साल तो पूरा 10% लगेगा, पर जो लास्ट साल है बच्चों आधा लगेगा, यानी 5%, यानी 10 10 10 3 साल के लिए और आधा रह जाएगा चौथे साल के लिए, आधे साल के लिए। तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, इसने बना भी रखा है देखो, 1+R/100 पूरा टी है यहाँ पर, और जो फ्रैक्शन है उसका नाम एफ रखा हुआ है, तो जो फ्रैक्शन है उसको आर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी आर का उतना ही फ्रैक्शन कर दो जितना टाइम का फ्रैक्शन बचा हुआ है। इससे क्या होता है बच्चों, मान लो टाइम बचा हुआ है तीसरा हिस्सा साल का, तो रेट भी तीसरा हिस्सा लगेगा उस हिसाब से, तीसरे हिस्से का ही इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको एक बार एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ इसने देखो दिया भी हुआ है कि अगर 4.25 साल हैं, 3.25 साल हैं, तो 3.25 साल में 3 साल का पूरा लगेगा, जो चौथा हिस्सा बचा है, 3 साल के बाद का हिस्सा बचा है, इंटरेस्ट भी उतना ही लगेगा, यानी आर का चौथा हिस्सा। ठीक है बच्चों, 3 साल का पूरा और आर का चौथा हिस्सा। तो एग्जांपल पे जब जाएंगे अब इसके बाद, उसमें 2 के साथ 1/3 ईयर्स है, तो 2 साल का तो पूरा लगेगा बच्चों, पर जो बचा हुआ है उसमें 15% का तीसरा हिस्सा लगेगा, तो 15 × 1/3 आ गया, जो कि 5 बनता है। तो ये सारा कैलकुलेट कर रखा है इसने, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, जो वैल्यू आएगी अमाउंट आएगा उसमें से आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो प्रिंसिपल माइनस करके। तो इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, चौथे एग्जांपल में 5,000 रुपये लगाए गए 3 साल के लिए, पहले साल 4% मिला, दूसरे साल 3% मिला, तीसरे साल 2% मिला, तो फॉर्मूले के हिसाब से 3 अलग अलग रेट हैं, 4, 3 और 2। तो बच्चों आप क्या करोगे, पहले साल 4%, दूसरे साल 3% और तीसरे साल 2% के हिसाब से फॉर्मूला बनाओगे। अगर रेट सेम होता तो हम सेम रेट को बार बार मल्टीप्लाई करते, कितनी बार मल्टीप्लाई करते, टी बार। मान लो टी 5 साल है, तो हम 1 by R 100 को 5 बार गुना कर देते, पर क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट अलग अलग है तो हर एक बार ही आएगा हर परसेंट, यानी 4% भी एक बार, 3% भी एक बार, 2% भी एक बार। तो आगे आप कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों, ट्राई कर सकते हो इसको। ठीक है, इसके बाद
हाँ, ये फॉर्मूला ही बच्चों पीछे दिया हुआ है तीसरे केस में कि अलग अलग इंटरेस्ट अगर मिलता है तो क्या होगा। केस थ्री बनाया हुआ है इसने कि अगर मान लो R1%, R2%, R3% दिया हुआ है, RN% एक एक साल के लिए दिया हुआ है, तो एक एक बार ही मल्टीप्लाई होगा टुकड़ा। सिंपल सी बात है, अगर ये दो बार होता या तीन बार होता या पाँच बार होता तो ये पाँच बार आ जाता। पावर कितनी आती, पाँच। जैसे यहाँ तीन पावर आ रही है, तीन क्यों आ रही है, क्योंकि तीनों साल यही रेट रहा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ T1 पावर है यानी T1 बार आ गया, T2 बार आ गया, TN बार आ गया। यहाँ एक एक बार आया इसलिए एक एक पावर है। तो मेरा ये जो एग्जाम्पल है उसमें एक एक बार ही है बच्चों सारा, R1 भी, R2 भी और R3 भी। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5 में रेखा ने एक रेफ्रिजरेटर लिया 92,100 रुपये का उधार में। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसको देना पड़ रहा है, पहले साल 5%, दूसरे साल 15% देना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, हाउ मच इट विल कॉस्ट हर जब ये पूरी पेमेंट दे देगी, कितने का पड़ेगा उसको। यानी 9,200 रुपये उधार में जरूर लिया, पर पहले साल का इंटरेस्ट कितना दिया, 5%, और दूसरे साल का 15%। तो बच्चों अब यही इसी हिसाब से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 9,200 रुपये पे पहले 5% लगाया, फिर 15% लगाया, तो कितने पैसे मुझे 2 साल के बाद देने पड़ेंगे ये बोल रहा है। तो 2 साल बाद कितना बनेगा वो मैंने पिछले वाला फॉर्मूला जो है सेम कॉपी पेस्ट करके कैलकुलेट करना है एलसीएम लेके। तो ये वैल्यू बन रही है बच्चों 11,109 रुपये का मुझे पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट केस बच्चों नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, यहाँ तक का काम आप कंप्लीट कर लेंगे।